सो एवरीवन, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल की डायरेक्टर मैम झंडोत्तोलन के लिए आ चुकी हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि झंडोत्तोलन होते ही सभी को सावधान की मुद्रा में रहेंगे। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल नि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे वंदे महात्मा गांधी अमर है महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस बाल गंगाधर तिलक भगत सिंह अमर है वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। सो धन्यवाद सभी को। और जैसा कि आप सबने अभी देखा लाइव स्ट्रीमिंग कि हमारे यहाँ अभी झंडोत्तोलन की कार्यक्रम संपन्न हो चुकी है, तो बहुत ही कम समय में अब एक एक करके हमारे शिक्षकगण आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे अपना अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। तो बस चंद ही सेकंड में हम सब एक दूसरे से रूबरू होने वाले हैं। धन्यवाद। सर अच्छी बात है। 100 लाइव क्या सर? नहीं सर 100 काफी है सर, लाइव में 100 बहुत होता है सर, बहुत ज्यादा माना जाता है। मैच कर दीजिए, पोजीशन मैच कर दीजिए, ठीक है? करें क्या पोडियम का? देखें तो एक बार सबको फिर से 74th यानी कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। और इन्हीं कुछ बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का कार्यक्रम। ऐसा बसंती दिन बसंती सब सुबह हर शाम कर जाओ, बसंती दिन बसंती सब सुबह हर शाम कर लूंगा, कदम हर एक कर्म हर एक तेरे नाम कर दूंगा। तुम्हें दिल से दिया है ए वतन, तुम्हें दिल दे दिया है ए वतन, तेरी कसम तुझको अगर मौका मिला तो जान भी तेरे नाम कर दूंगा। सो ऐसा आपको महसूस नहीं करना है कि आप घर पे हैं और स्कूल में है। सो इसके लिए आप अपने घर से भी बेजोड़ तालियों से अपने टीचर्स का अभिनंदन कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा फीलिंग्स है जिसके लिए ना घर की जरूरत है, ना स्कूल की जरूरत है, ना ही जगह की जरूरत है। ये हमारे अंदर की बहुत बड़ी फीलिंग्स है। सो कुछ इन्हीं सब बातों के साथ वंदे मातरम फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे स्कूल की अभिन्न अंग शिल्पा मैम को वंदे मातरम फिर के लिए। शिल्पा मैम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितवदनं
सुमित द्रुमदल शोभिनिम सुहासिनिम सुमधुर भासिनिम सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा मैम। हंसी लब पे मगर दिल में बड़ा तूफान रखते हैं, हंसी लब पे मगर दिल में बड़ा तूफान रखते हैं, हथेली पे वतन के वास्ते सब जान रखते हैं। है अलबेला है मस्ताना, बड़ा यह देश क्या कहना, है अलबेला है मस्ताना, बड़ा यह देश क्या कहना, यहाँ के नौजवान नस नस में हिंदुस्तान रखते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके जोरदार तालियों के बीच में हमारे स्कूल की जाग्य मैम का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि वो अपनी कुछ बातों को आपके साथ यहाँ पे शेयर करें। सो प्लीज सभी कोई जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जाग्य मैम का। थैंक यू आर्यन सर। हेलो, आज ही मेरे लाइफ का पहला 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं विदाउट चिल्ड्रन के, विदाउट बिना बच्चे के, एंड उनको काफी मिस भी कर रहे हैं। एंड सुप्रभात, आज मैं कुछ भाषाओं में दो लाइनें बोलने का प्रयास कर रही हूँ और ये बताने की कोशिश की भाषा चाहे कोई भी हो, भाव और भावनाएं एक ही होती है। आप सभी आदरणीय अभिभावक गण, हमारे होनहार बच्चे, आदरणीय शिक्षक गण तथा पूरे भारतवासियों को मेरा प्रणाम, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे मैं उर्दू में बोल रही हूँ। आप सभी, आप सबका एहतराम, हमारे काबिले एहतराम वालिदैन, हमारे जहीन बच्चे, तंजीम उस्ताद, पूरे हिंदुस्तानियों को मेरा सलाम, आजादी मुबारक। बंगाली में श्रद्धे बाबा माँ अमादेर प्रतिबद्ध शिशु, श्रद्धे सिखगण एंड समग्र भारतीय आपनारे सकलेर प्रति श्रद्धा। शुभ स्वतंत्रता दिवस। English, my respective to all of you, respected parents, our promising children, respected teachers and entire Indians, happy Independence Day. Marathi, माझा तुमच्या सर्वच्या आदर, आदरणीय पालक, आमची आशादायक मुले, आदरणीय शिक्षक आणि संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। गुजराती, तमे वगाने मारा आदर, माता पिता हमारा आसक्त बालको, आदरणीय शिक्षकों, अन्य संपूर्ण भारतीयों, स्वतंत्रता दिनी शुभकामनाओं। तेलुगु, मी गौरवनिया मैना तल्ली टंडरम मामंकी पिल्लु गौरवनीय उपाध्यालु मरियु मोत्तम भारतीय अलुकु ना गौरव अलु स्वतंत्रता दिनोत्सव शुभकांक्षलु। தமிழ், நினக்கல் அனைவருக்கும் மரியாதைக்குரிய பொருட்கள், இனக்கல் நிம்பக்குரிய குழந்தைக்கல் மரியாதைக்குரிய அசியல் முருக் முல்லு இந்தியாருக்கம் இன்டு மரியாதை இன்னிய சுதந்திர தினே நல்வாழ்வு டுக்கல். மலையாளம், நினக்கல் வரக்கல் பௌமென்னா பேட்டா மாட்டா பிட்டா கல் நானாலுட்டே பாகுதன் सी चुनिना कुटिकल बहुमाना बेटा अध्यापक मुलुबन इंडिया करेटम एनरे आद्रम स्वतंत्रता दिना संसकल। आज हमें, आज
हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में हमें दो लाइन बोलने का महज मकसद इतना था कि मैं समझा सकूं, बतला सकूं कि भारत देश हमारा कैसे अनेकता में एकता समेटे हुए है। यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, परंतु भारतवासी यानी भारतीय ही कहलाते हैं। उनका कल्चर भले ही अलग हो, लेकिन उनकी पहचान भारतीय ही है। यही खासियत हमें सारे विश्व में एक अलग पहचान और मान देती है। यहाँ के नागरिक अपने आप में एक विशिष्टता लिए होते हैं। आज हमारा देश ना जाने कितनी समस्याओं और कोरोना जैसी महामारियों से जूझ रहा है, परंतु हर भारतीय बड़े संयम के साथ उसका सामना कर रहे हैं तथा एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। यह भारत की सहनशीलता और सहिष्णुता की पहचान है। हम किसी भी परिस्थिति में उग्र नहीं होते, उसे बहुत संयम के साथ झेलते हैं और उन समस्याओं को सुलझाते भी हैं। परंतु कुछ लोग भ्रामकता में आकर अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं और देशवासियों को, जो कि सर्वदा उनके लिए उचित नहीं है और देश और देशवासियों के लिए भी हितकर नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी समस्या का समाधान नहीं, क्यों अगर परिणाम है तो केवल विनाश। परंतु हमारा देश विनाश में नहीं निर्माण में विश्वास करता है। ये भी हमारे देश की एक अलग ही विशिष्ट पहचान है और खासियत है, जिसका लोहा आज सारा विश्व मान रहा है। ये खुद आगे बढ़ने में नहीं, सबके साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। ऐसा देश है मेरा, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिरगिराए, हर मौसम ये रंग रंगीला, ऐसा देश है मेरा। गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद केसन गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। दो लाइन अपने तिरंगे की शान में, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारी शान है, ये हमारी मान है, इसे न हम झुकने देंगे चाहे हम खुद मिट जाएंगे। ये महापुरुषों की पहचान है, उनके बलिदानों का सम्मान है, ये भारत माँ की आन है, ये तो हमारी जान है, हर हिंदुस्तानी की शान है। और जो आज उन महापुरुषों की बदौलत आज हम ये आजादी का पर्व हर साल मनाते हैं और उन्हें याद भी करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और अपने सारे खुशियों को निछावर देश के ऊपर कर दिया, और हमें भी कुछ ऐसे संदेश दे गए ताकि हम आगे देश के लिए इसी तरह के कार्य करते रहें। दुनिया में जितने भी तरह की क्रांतियां हुई है और परिवर्तन हुए हैं, उन क्रांतियों और परिवर्तन के पीछे किसी न किसी शिक्षक या गुरु का हाथ ही रहा है या उनका सोच रहा है, क्योंकि यही शिक्षक हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान, सही गलत परखने की क्षमता से मालामाल करते हैं। आप केवल मात्र ये कल्पना करें, यदि पूरे विश्व शिक्षक जात शब्द का खात्मा हो जाए, भविष्य में कोई भी शिक्षक बनने को तैयार ना हो तो क्या होगा? सारा संसार अंधकारमय हो जाएगा, ज्ञान की जोत जलाने वाला कोई भी ना होगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर वगैरह कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे, इन्हें कौन बनाएगा, क्योंकि इनके बनने के पीछे किसी न किसी शिक्षक का ही हाथ है, जिसके कारण आज दुनिया में तरक्की, सुविधाएं एवं तमाम चीज मौजूद हैं। आज वही शिक्षक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने पहचान को खोज रहा है, अपने सम्मान को मांग रहा है। आज मैं सारे अभिभावकों से नम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगी, क्या आज वही शिक्षक आपके लिए अप्रिय, असम्मान रहित क्यों हो गए हैं? जो आपके बच्चे का भविष्य बनाते हैं, संवारते हैं, आज जो अपने बच्चों को एक कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, क्या एक बिना शिक्षक के ये संभव है? फिर क्यों आप वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, आदर नहीं दे रहे जिनके हम हकदार हैं? कुछ बच्चे, सारे नहीं, भी अपने शिक्षकों के साथ, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, अनादर का व्यवहार करते हैं। वे भूल जाते हैं जिनकी बदौलत अपने भविष्य को संवार रहे हैं, अपने भाग्य विधाता बन रहे हैं, वो एक शिक्षक के कारण है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी, अपने बच्चों से भी, साथ ही साथ अपने आदरणीय अभिभावक से भी, हम शिक्षक मान आदर के भूखे होते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इस कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्म से विचलित नहीं हुए हैं, अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहे हैं, तथा हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अपने कर्तव्य को समझे, पहचाने और उसका पालन करें। कहा भी गया है,
बच्चे राष्ट्र के भाग्य विधाता, शिक्षक हैं जग के निर्माता। बस लास्ट दो लाइन अपने देश की शान में, मुकम्मल है इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ, वतन के शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा किसी और का, देशभक्त हूँ दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, यही की बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और जैसा अभी आपने मैम को सुना कि मैम के दिल में आप सभी बच्चों के लिए कितने प्यार हैं, मैं उनके अभिव्यक्ति को अपने चंद लाइनों के जरिए व्यक्त करना चाहूंगा। महत्ते गुल हैं हम बच्चे, महत्ते गुल हैं हम बच्चे हैं रब रह आप गुलशन के, है कोमल कोपले जिसकी वो तरुबर आप चंदन के। अगर कर्तव्य कह दे आपका निर्जलता होंगी, बहुत उपकार है हम पर है ईश्वर आप इस मन के। मतलब कि आप सब हमारे दिल के बहुत बड़े ईश्वर है। सो मैं अब बिना किसी विलंब के अपने स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य मिस्टर विकास कुमार सिन्हा सर को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आप सबको अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा, और जैसा आप सब जानते ही हैं कि हमारे विकास सर सबको मनमोहित कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी तैयार हो जाइए मनमोहित होने के लिए। विकास सर प्लीज। सर धन्यवाद। सर 74वें वर्ष के इंडिपेंडेंस डे पर आप समस्त लोगों को विकास कुमार सिन्हा फैकल्टी ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ सीपीएस के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमने कभी अपने भविष्य में ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसे मौके भी आएंगे जब हम लोग राष्ट्रीय महोत्सव पर, राष्ट्रीय दिवस पर एक दूसरे से दूर होकर भी काफी नजदीक होंगे। शायद आज ये मीडिया का ही एक माध्यम है जहां हम लोग एक दूसरे से मीलों दूर होकर भी आज बहुत करीब हैं। हमें शिक्षा में सिखाया जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एडवांटेज लिया जाए तो आज ये हमारे सामने है कि हम लोग इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में जहां एक दूसरे से काफी दूरी है, लेकिन इस कम्युनिकेशन के माध्यम से आज काफी नजदीक भी हैं। ना शिक्षा का स्तर गिरा है, ना शिक्षक कभी बच्चों से दूर हुए हैं। आज किसी ना किसी माध्यम से हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवा को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं इस COVID-19 के उपलक्ष्य में, इस समस्या के अंतर्गत आप सभी से कुछ लाइनें शेयर करना चाह रहा हूं जो इस प्रकार हैं। हम सभी जानते हैं कि ये ऐसी परिस्थिति चल रही है जहां हर कोई अपने मन से एक अंतर्द्वंद से लड़ रहा है, बार बार यही चीजें पूछता है, क्या ये सही है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं जो इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है पीड़ा तुम मुझे कब तक दबाओगे। जी हां, पीड़ा That means दर्द। पीड़ा तुम मुझे कब तक दबाओगे, मेरी हिम्मत के आगे टिक ना पाओगे। पीड़ा कब तक मुझे तुम दबाओगे, मेरी हिम्मत के आगे टिक ना पाओगे। जितनी बार गिराओगे उतनी बार उठ जाऊंगा, जितनी बार गिराओगे उतनी बार उठ जाऊंगा। मेरी हिम्मत को ना आजमाओ तुम, मेरी हिम्मत को ना आजमाओ तुम,
मुंह के बल गिर जाओगे। मेरी हिम्मत को ना आजमाओ तुम, मुंह के बल गिर जाओगे। पीड़ा तुम कितना मुझे दबाओगे। अनगिनत बार आजमाया है मैंने दर्द अपनों से पाया है। अनगिनत बार आजमाया है मैंने दर्द अपनों से पाया है। हर बार हार जाते हो फिर भी चले आते हो। हर बार हार जाते हो फिर भी चले आते हो। आशा है जिसके जीवन में तुम उसको क्या हराओगे। आशा है जिसके जीवन में तुम उसको क्या हराओगे। ये लाइनें हम शिक्षक की है। आशा है जिसके जीवन में तुम उसको क्या हराओगे। पीड़ा तुम कितना मुझको दबाओगे। पीड़ा तुम मुझको कितना दबाओगे। अंधेरे में जलता लौ हूं मैं मुझको ना बुझा पाओगे। अंधेरे में जलता लौ हूं मैं मुझको ना बुझा पाओगे। चले जाओ हार कर क्यों चले आते हो। चले जाओ हार कर क्यों चले आते हो। मेरी संकल्प शक्ति के आगे टिक ना पाओगे। मेरी संकल्प शक्ति के आगे टिक ना पाओगे। पीड़ा तुम मुझको कितना दबाओगे। मुझको जितना जकड़ोगे उतना ही अधिक तंटूंगा मैं। मुझको जितना जकड़ोगे उतना ही अधिक तंटूंगा मैं। कांटों में राह बनाने का हुनर मुझे भी आता है। कांटों में राह बनाने का हुनर मुझे भी आता है। कांटे तुम बिछाते जाओ मैं चुन चुन कर आगे बढ़ता जाऊंगा। कांटे तुम बिछाते जाओ मैं चुन चुन कर बढ़ता जाऊंगा। पीड़ा तुम मुझको इतना दबाओगे मेरी हिम्मत के आगे टिक ना पाओगे। टिक ना पाओगे टिक ना पाओगे। धन्यवाद। ये चंद लाइनें मैंने अपने शिक्षक के लिए कहा जो अभी की परिस्थिति में ना जाने कितनी पीड़ाओं से झेल रहे हैं लेकिन फिर भी अपने रास्ते को नहीं बदला और लगातार अपने कार्य पर लगे हुए हैं और बच्चों के लिए सोचते हैं जो कि आए दिन हमारे लिए यही कहा जा सकता है कि हमारे राह में चाहे जितने भी ऑप्टिकल्स हो हम लोग उसे पार करके एक ना एक दिन आगे सक्सेस की ओर जरूर जाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल में हर किसी के मन में आता है कि पता नहीं कब ये कोरोना काल खत्म होगी हम लोग फिर उसी माहौल में होंगे उन्हीं दोस्तों से मिलेंगे उन्हीं चीजों को एक साथ फिर शेयर करेंगे। साथ बैठना होगा साथ उठना होगा। तो इस पर मैंने कुछ एक लाइनें लिखी है जो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसा भोर होगा जिसके चारों ओर शोर होगा। एक ऐसा भोर होगा जिसके चारों ओर शोर होगा। खेल के मैदानों में फिर से लोगों की होड़ होगी खुशहाली चहु ओर होगा। खेल के मैदानों में फिर से लोगों की होड़ होगी खुशहाली चहु ओर होगा। जब चाहे तब घर से बाहर जा पाएंगे ट्रेन के टिकट के लिए फिर से लंबी लाइनों में खड़े होंगे। जब चाहे तब बाहर जा पाएंगे ट्रेन के टिकट के लिए फिर से लंबी लाइनों में खड़े होंगे। बाजारों पे फिर से कोलाहल होगा। बाजारों में फिर से कोलाहल होगा। शॉपिंग मॉल पर फिर से लोगों का घूमना फिरना होगा। शॉपिंग मॉल पर फिर से लोगों का घूमना फिरना होगा। स्कूल और कॉलेज भी खुल जाएंगे। स्कूल और कॉलेज भी खुल जाएंगे। सारे दोस्त मिलकर फिर से एक साथ ध्यान दीजिएगा सारे दोस्त मिलकर फिर से एक साथ पढ़ाई कर पाएंगे। बस कुछ दिन सब्र करना है और सरकार के बनाए नियमों को पालन करना है। मिट जाएंगे ये कोरोना रूपी अंधेरा फिर से होगा एक नया सवेरा। इस नए सवेरे के लिए प्रण लेते हैं चलो साथ मिलकर कोरोना को हराते हैं। कोरोना को हराते हैं। धन्यवाद। इन चंद शब्दों के द्वारा मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच विकास सर। तो आप सबने अभी हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल मिस्टर विकास कुमार सिन्हा सर को सुना और विकास सर ने जैसे अभी आप सबको बताया कि उम्मीद एक बहुत बड़ी बात होती है जो हमेशा होनी चाहिए और एक समय वो आएगा जब कोरोना काल भी मिट जाएगा
और सब एक साथ फिर से वही जीवन दोबारा से व्यतीत करेंगे। जी हाँ, उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं दिल में हौसले, वो जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। तो मैं अभी आप सबको सामने अभी आप सबके लिए आमंत्रित करूंगा हमारे महिला शिक्षिका साजिया मैम को, जो अपने गीत के माध्यम से इस देश के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करेंगे। तो मैं जोरदार तालियों से आपके बीच स्वागत करता हूं हमारे स्कूल की महिला शिक्षक साजिया मैम। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर द आर्यन सर फॉर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। It's a very independent and pleasant morning to all. My dear, here I am Sazia Parveez, a part of the CPS family. After a very long period for this pandemic condition, we all gather here for celebrating our independence. I really thankful to our Honorable Director Ma'am, Director Sir, and respective Principal Sir, and some dynamic person who's organizing these all programs in tough condition. I also thankful to all my colleagues who's present here to support. Off ho gaya kya? Off ho gaya kya? Charge nahi hua. Usko aap dekhiye na, off ho gaya kya? Ye charge mein laga hua hai. Isme light nahi hai. Start ho gaya, band ho gaya. Isme light nahi hai. Now. Light cut gaya. Light cut gaya. Bulb jal raha hai. After very long period for this pandemic condition, we all gather here for celebrating our Independence Day. I really thankful to our Honorable Director Ma'am and Director Sir and some dynamic person who's organizing this all program in this tough condition. I also thankful to all my colleagues who's present here to support us. Now I would like to share my some views in front of you. कुछ नसीब होते हैं वो लोग जो इस देश पर कुर्बान होते हैं। कुछ नसीब होते हैं वो लोग जो इस देश पर कुर्बान होते हैं। जान देके भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को, करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है। नेक्स्ट आई मैं आप सबको अपने तरफ से कुछ सॉन्ग प्ले करना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे,
तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। उसी को कवर कर दीजिए ना माइक को। नहीं होगा, आएगा सर, सब लोग इस तरह से क्लब से। थैंक यू सो मच साजिया मैम। न सरकार मेरी है न रॉब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूं और पूरा हिंदुस्तान मेरा है। मैं अपने कुछ इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीनियर सेक्शन के मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर रवि सर को, जो आप सबको अपने संवेदनाओं को अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पे करेंगे। मिस्टर रवि सर, प्लीज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आर्यन सर गिविंग मी सच अ वंडरफुल चांस टू एक्सप्रेस माय व्यू ओवर ऑन इंडिपेंडेंस डे, एंड ऑल्सो आई थैंकफुल टू डायरेक्टर मैम एंड ऑल माय कलीग्स। मेरे आने के पहले अभी डायरेक्टर मैम ने और हमारे प्रिंसिपल सर विकास सर ने बहुत कुछ आप लोगों को बताया होगा, पर देखिए किसी भी मुद्दे को देखने का नजरिया व्यक्ति का अपना होता है और मैं कुछ बातें अपने नजरिए से बता रहा हूँ। मैं जितनी भी बातें बताऊंगा या बताना चाहूंगा वो सब कविताओं के माध्यम से ही होगा, क्योंकि हूँ तो साइंस का टीचर और साहित्य से कुछ ज्यादा ही रुचि रखता हूँ। तो जब मैंने शुरुआत में ही मेरी कुछ लाइनें, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ऐसा देशभक्त हूँ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के मैं भी हिंदुस्तान हो जाऊं। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आजादी का दिवस। 74 साल बीत गए, हम लोग आजाद हो गए। क्या सही मायनों में हमने आजादी का क्या मतलब समझा है और आज आजादी पाने के बाद हम किस पोजीशन पे हैं? इस पे कहीं ना कहीं हम शिक्षा गण की भी कमियां रही हैं, हमारे कुछ विद्यार्थी की भी कमियां रही हैं, हमारे समाज की भी कमियां रही हैं, जिन्हें मैं अपने कुछ पंक्तियों के द्वारा बताना चाहता हूँ। आज कहाँ हैं हम? जरा ध्यान से मेरी इन कविताओं को सुनिएगा। आज हमारा समाज आजादी पाने के बाद किस दिशा की ओर अग्रसर है, इस दिशा को बदलने की बहुत जरूरत है। तो जरा ध्यान से सुनिए। नया जमाना है नई पीढ़ी का पसंदीदा स्टाइल यारो। क्योंकि ये पूरा पोयम मैंने अपने टीचर्स को ही डेडिकेट किया है, इसीलिए इसमें शब्द कुछ इस तरह से आए हैं, उसके लिए मैं पहले ही से माफी मांगना चाहूंगा। कुछ शब्द इसमें आए हैं। नया जमाना है नई पीढ़ी का पसंदीदा स्टाइल यारो, एक हाथ में जाम दूसरे में सिगरेट कान पे लगा मोबाइल यारो, पश्चिम समंदर में डूबे सारे हाथ से छूटा साहिल यारो, नित बढ़ रही अपराधों की गिनती और घोटालों की फाइल यारो, राह चलती हसीनाओं पे छिटा कसी मारे व्याख्याओं आवाज यारो। ये हमारी समाज के भी अभी ये स्थिति है जो हम आजादी पाने के बाद जिस कंडीशन पे पहुंचे हैं आज तक, उसके बारे में बयां कर रहा हूँ, इसीलिए लाइनें आ रही हैं। नशे का रंग बड़ा गहरा देसी बोतलों में भरी अंग्रेजी वाइन यारो, करके सारी बोलियां एक तरफ अंग्रेजी में करे साइन यारो, छाती फुला बोले गिटपिट इंग्लिश कहे कल्चर बड़ा फाइन यारो, रो रही शहीदों की टोली कहने लगे भारत माइन यारो, कहीं कहीं ना लगे भारत माइन यारो, मैं अभी के बारे में बोल रहा हूँ। पश्चिम की ओर दौड़ सभी की,
कैसे करेगा इससे इंडिया साइन यारो, कैसे करेगा इंडिया इससे साइन यारो। तो इन चीजों को हमें समझना है और हमारी कोशिशें होनी चाहिए कि समाज में इन चीजों से हम थोड़ा सा इन चीजों को दूर करें। और हम शिक्षक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस मुद्दे पे थोड़ा ध्यान दें, अपने बच्चों को समझाएं। इसके अलावा मैंने बताया कि आज हम कहां हैं और आज तक बीते 74 सालों में हमने आजादी का क्या मतलब समझा है, कुछ पंक्तियों में बताना चाहता हूं। क्या कीमत है आजादी की, हमने कब जाना है, क्या कीमत है आजादी की, हमने कब जाना है। अधिकारों की चिंता है, अधिकारों की चिंता है, फर्ज कब पहचाना है। आजादी का अर्थ हो गया अब केवल घोटाला है, हमने आजादी का मतलब भ्रष्टाचार निकाला है। आजादी में हम खा जाते, आजादी में हम खा जाते पशुओं तक के चारे अब, आजादी में हम खा जाते पशुओं तक के चारे अब, हर्षद और हवाला हमको आजादी से प्यारे अब। आजादी के खेल को खेलो फिक्सिंग वाले बल्ले से, हार के बाद भी धन पाओगे सट्टेबाजों और दल्ले से। सीखा है धर्म जात और प्रांत के नाम पर लड़ाना, सीखा है धर्म जात और प्रांत के नाम पर लड़ाना, क्या यही है आजादी को हमने पहचाना। तो मेरी वक्तव्य यही समाप्त होती है और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैंने जो बातें बताई आज हम कहां हैं और आज हम आजादी का क्या मतलब समझते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज हम अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आजादी का जो मतलब है उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आपने इस समय समाज का एक अलग रूप हमें बताया। जैसे कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की सराफत, जरा गौर दीजिएगा रवि सर, कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की सराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं, या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर सड़क पे किसान खड़े हैं। तो मैं अब आप सबके बीच, आप सबके जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा हमारे मिडिल सेक्शन के इंग्लिश टीचर, जो हमारे मिडिल सेक्शन के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी आइडियल है। और मैं अभी सबके बीच में इस बात को शेयर भी करना चाहूंगा कि वे एक ऐसी टीचर है जिनके क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे मैक्सिमम हुआ करते हैं जूम ऐप में अभी। तो मैं अभी स्वागत करना चाहूंगा हमारे मिडिल सेक्शन इंग्लिश टीचर की, मिसेज जीनत मैम, प्लीज मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड एज यू नो दैट आई एम as you know that I am Sulat Khalid, teacher of middle section, and to you all, happy Independence Day. Today is 15th of August, and I am here to share a beautiful song. Hope you like it. Please focus on the word. Don't concentrate on my tone of the song, as I'm not a singer. Well, I will try. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी।
जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी क्या लोग थे वो दीवाने क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना जय हिंद जय हिंद की सेना जय हिंद जय हिंद जय हिंद थैंक यू थैंक यू सो मच जीनत मैम बस ये बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना लहू देखकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को पहले सूचित कर देना चाहता हूं कि बहुत ही कम समय में यानी कि अब बहुत ही कम समय बहुत ही कम घड़ियों की आपको प्रतीक्षा करनी है जिसके बाद आप सबके भेजे गए वीडियोस को YouTube पे ऑनलाइन अभी पब्लिश की जाएगी तो बहुत ही कम समय और बहुत ही कम घड़ियां बची हुई है तो कृपया इंतजार करेंगे थोड़ी सी घड़ियों के लिए और मैं अभी सीनियर सेक्शन टीचर के SST टीचर सीनियर सेक्शन से SST टीचर मिस्टर विवेक कुमार को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज वो अपनी संवेदनाओं को हम सबके सामने व्यक्त करें प्लीज मिस्टर विवेक सर थैंक यू सर थैंक यू मैम मैं मैम का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा मतलब कोरोना काल चल रहा है बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फिर उन्होंने इस तरह से प्रोग्राम रखा कि हम सभी टीचर्स और सभी जो स्टूडेंट्स हैं आज इकट्ठे हो सके वो अलग बात है स्टूडेंट्स हम नहीं मिल पा रहे हैं डायरेक्टली बट कहीं दिल हमारे मिले हुए तो आप सभी स्टूडेंट्स को सभी टीचर्स को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जब मैं शुभकामनाएं कह रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस की तो ये बात हमें अवश्य याद रखना चाहिए जरूर याद रखना चाहिए कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये जस्ट राजनीतिक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है क्या आज हम समाज में चाहे हमारा समाज क्या हमारा सोसाइटी आज पूरी तरह से क्या पूरी तरह से आजाद हो पाया है क्या पूरी तरह से इंडिपेंडेंस गेन कर पाया है जैसा कि सर ने बोला मैं SST का टीचर हूं तो मैं अपनी स्पीच के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी हिस्ट्री की बातें जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू अपनी जड़े बना ली और उन्होंने शुरू किया अपना आर्थिक शोषण और ये आर्थिक शोषण ये एक नॉर्मल एक्सपोर्टेशन जिस तरह बढ़ता चला गया और उसने कल्चरल एक्सपोर्टेशन का रोल ले लिया हमने 47 में आजादी गेन कर ली हो और अचानक कर ली हो ऐसा भी नहीं था इसके लिए हमने 200 सालों तक स्ट्रगल किया जैसे ही हमने 1757 में इंडिपेंडेंस गेन किया सॉरी गुलाम बने ब्रिटिशर्स के वैसे ही देश के दूसरे भागों में इसके लिए तड़प कि हम कैसे किसी व्यक्ति के किसी
कैसे किसी दूसरे शासन के अंडर आ गए और ये चलता रहा। पहले के जमाने में एक थ्योरी फेमस थी कि हर 100 साल में क्या होता है, समाज बदलता है, इतिहास बदलता है। और जब 1757 के बाद जब 1857 आया तो लोगों के अंदर ये जज्बा आया कि ये वो घड़ी है जब 100 साल आ रहा है, समय बदलने वाला है, हम आजादी पाने वाले हैं। और 1857 में जो लड़ाई थी हमारी, जिसे हम वीर सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है, वो शुरू किया, लेकिन हम हार गए। इसके पीछे रोल किसका था, हम हारे क्यों, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स को भारत से भगा सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि हम मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स को इंडिया से हमेशा के लिए अलग भगा सके, अलग कर सके, पर नहीं, हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही ऐसे मुट्ठी भर गद्दार थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और हमें हराने में अपना भरपूर रोल, अपनी भरपूर भूमिका का निर्वहन किया, और इसी कारण से हम हार पाए। चलिए, हमने आजादी भी पाली 1947 में, जो 1947, कई बार कहा जाता है कि 1947 का जो आजादी था ये हमने लाठी के बल पे जीती, पर ये सरासर झूठ है। हमने लाठी के बल पे आजादी को नहीं पाया, ना ही हमने बंदूक के बल पे आजादी को पाया, हमने लाठी और बंदूक दोनों के बल पे आजादी को पाया और भारत जो है आज आजाद हो पाया। बट मैं जब भी तो मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि ये जो आजादी थी हमारी राजनीतिक ही आजादी रही। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था जब उन्होंने अपना वुड स्पीच प्रिपेयर किया था 1835 के अंदर, उन्होंने कहा था कि अगर किसी समाज को, अगर किसी देश को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके कल्चर पे चोट करो, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पे चोट करो, उससे तबाह कर दो, उसको नस्ता नाबूद कर दो, वो जो समाज है, वो जो देश है, हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हमारा कल्चर, जिसे इसी टाइम हम लोग सुपीरियर मानते थे, इस तरह की शिक्षा पद्धति, इस तरह का शिक्षा सिस्टम क्रिएट किया जिसके थ्रू हमारे मन के अंदर ये इंफिनिटी आने लगी कि हम कौन है, हम प्रिमिटिव है, हम बैकवर्ड है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ब्रिटिशर जो है हमसे ऊपर है, और हम दबते चले गए। आजादी हमने पा ली है, लेकिन ये जो इंफिनिटी है वो कभी तक खत्म नहीं हुई है। आज भी अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को हम नीचे ही मानते हैं, आज भी हम अपने समाज को नीचे ही मानते हैं और लगातार ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने आप को और मॉडर्नाइज कर सके। मैं खिलाफ नहीं हूं मॉडर्निटी के, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, परंतु उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी पहचान हमें करनी चाहिए। जो जो अच्छी चीजें हैं उसे पाओ, क्योंकि कृष्णा ने श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहा है परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। दुनिया में कुछ भी नहीं है जो शाश्वत है, चेंज होना कंपलसरी है, जो चेंज नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। चेंज लेके आएगी और अच्छी चीज होगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। आज हम एक हमारे समाज के अंदर एक जाति प्रथा, मतलब एक मैं आपका एक इंसिडेंट सुना चाहूंगा। क्या हुआ था कि कुछ दिनों पहले मैं किसी से मिला, उन्होंने मुझसे पूछे कि आपकी जाति क्या। मैंने बोला कि मैं जाति भी ही हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे आप हिंदू हो फिर भी आपकी जाति नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप शादी कैसे करोगे। बट मैं बोला कि देखिए जरूरी नहीं है कि हिंदू होने के बावजूद भी आपकी जाति हो, जाति होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं जाति को मानता ही नहीं। मेरे लिए मेरा एक ही पहचान है कि मैं एक इंडियन हूं, एक मैं भारतीय हूं, मेरी कोई जाति नहीं। अब ये समझिए, तो बोलते कि फिर आप हिंदू कैसे हैं। तो मैंने बोला कि जो ईश्वर है वो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं सब में हूं, और जाति का जो सिस्टम है वो अस्पृश्यता को जन्म देता है, छुआछूत को जन्म देता है। और जब ईश्वर कह रहा है कि अहम ब्रह्मस्मि,
मैं सब में हूं, तो तुम कैसे जाति को मान सकते? या तुम अपने ईश्वर को मान लो या तुम जाति को मान लो। और जब तक ये जाति सिस्टम नहीं हटेगा भारत के अंदर, भारत हमेशा सामाजिक रूप से गुलाम ही रहेगा, क्योंकि हमारा ग्रोथ नहीं हो पा रहा विकास भारत का। आज भारत के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा संभावनाएं है, पोटेंशियल है कि भारत तुरंत गेन कर सकता है। भारत जापान से भी आगे जाते हैं। हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए जापान कितना जल्दी तरक्की कर लिया उसने 1945 के बाद, इतना झेलने के बाद। बट क्या था उनके अंदर? एक जुड़ता थी, इंटीग्रेशन था, सेग्रेशन नहीं था हमारी तरफ। अगर हम भारत को आजाद देखना चाहते हैं सामाजिक रूप से भी, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमारे अंदर जो सेग्रेशन है, जो भी बंटवारा किया हुआ है, उसे खत्म करना होगा। जब तक इसे हम खत्म नहीं कर सकते, भारत कभी आजाद नहीं हो सकता। अपने कल्चर को भी अगर जब तक हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर हम बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स देखें तो लगता है कि हाँ, हमारा जो संस्कृति था, जो कल्चर था, वो बहुत आगे था। अब इसे पाना है, उस गौरव क्षण को पाना है, जो भारत को विश्व से विश्व गुरु बनाना है, इस सेग्रेशन को खत्म करना होगा। तो सोशल सेग्रेशन है हमारा, सोशल जो गुलामी है उसे खत्म करना होगा, तब जाके हम पा सकते हैं राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक भी आजादी। तो अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा, और फिर से सभी मैम का और सभी टीचर्स का और आर्यन सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया जहां पर मैं अपनी बातों को रख सका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर। विवेक सर की अभी जो अभिव्यक्ति थी, मैं उनके लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं इतना काबिल तो नहीं कि मैं राहत इंदौरी साहब का शेर भी पढ़ सकूं, बस कोशिश जरूर करूंगा। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकली वही सदाकत है। जी हाँ, हमारे मुंह से जो निकली वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे ए मसनद है, जो आज साहिबे ए मसनद है, कल नहीं होंगे किरदार है। जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस कोशिश रहा आप सबके बीच प्रस्तुत करने की, और मैं आप सबके जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करूंगा हमारे स्कूल की एक अभिन्न अंग, फिर से शिल्पा मैम को, जो अभी आप सबको अपने गीत के माध्यम से यहाँ पे अपनी सर्वदाएं व्यक्त करेंगी। प्लीज मैम। आर्यन सर इधर इधर अरे मूव कर लीजिए सर का वीडियो। थैंक यू आर्यन सर। मिट्टी की खुशबू, देशभक्ति की फुहार, हाथों में तिरंगे, भारत माता का प्यार, राष्ट्रगान की धुन, शुभकामनाओं की बौछार, मुबारक हो आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस का त्योहार। इसी के साथ मैं एक गीत आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू,
बा तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम तेरे दामन से जो आए उन तो हवाओं को सलाम चूम लो मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू जितना याद आता है मुझको उतना तरपाता है तू तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम फिर भी है यही तमन्ना तेरे जरों की कसम हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान धन्यवाद थैंक यू सो मच शिल्पा मैम अभी लगभग सभी के तरफ से ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि सुर में बहुत जान है जी बिल्कुल काफी लाजवाब परफॉर्मेंस अभी रहा शिल्पा मैम के तरफ से और मैं आप सबको बता दूं कि अभी मैं थोड़ी देर में हमारे एक वही शिक्षक को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा और उसके बाद से स्टूडेंट्स के भेजे गए वीडियोस को हम यहाँ से लाइव करेंगे नसों में दौड़ती खून की जगह तेजाब रखते हैं नसों में दौड़ते खून की जगह तेजाब रखते हैं है हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रखते हैं नहीं ऐसे शहीदों में उन्हें स्थान मिलता है तिरंगे में लिपट कर मौत का वो ख्वाब रखते हैं तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीनियर सेक्शन के फिजिक्स टीचर मिस्टर अमन कुमार सर को जो अभी अपने गीत के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को देश के प्रति अपने प्रेम को हम सबके साथ यहाँ पे साझा करेंगे सो प्लीज मोस्ट वेलकम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप लोग सभी को जानते हैं कि हम लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने की उपस्थिति में यहाँ सब प्रेजेंट रहे हैं ये कोरोना काल में बहुत ही दिक्कत के साथ
लेकिन फिर भी आपने देश के प्रति प्रेम जो है कभी भी ना कभी मिटा है ना मिटने देंगे, हमेशा इसे अपने दिलों में अपने जानों में हमेशा जगाए रखेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ आपका समय बर्बाद करते हुए नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना जब बताना चाहूंगा कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके प्रति बहुत से वीरों ने जिनका कभी नाम भी नहीं आया वो मिट गए, वो मर गए अपने देश के प्रति। तो मैं उनको सम्मान देने के लिए गीत के माध्यम से गाना चाहूंगा। जब राजगुरु भगत सिंह और जा रहे थे, उनको फांसी देने वाली थी, तो भगत सिंह बोला जाता है कि एकदम हंसते हंसते बहुत ही उनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, वो अपने वो ऐसे फांसी को देख रहे थे जैसे उनके प्रति कोई बहुत ही एक सम्मान की बात हो उसके प्रति। तो भगत सिंह कहते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। अरे गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो सोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माया रंग दे बसंती चोला। फिर बाद में राजगुरु कहते हैं, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमन सर। सो मैं आप सबसे तो अब मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स के वीडियो कलेक्ट किए गए हैं वो वीडियो अभी आप लोगों के सामने दिखाए जाएंगे, उसमें 5 से 7 मिनट का भी समय है। लेकिन इसी बीच मैं फिर से दोबारा शिल्पा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो आप सबके साथ एक बार फिर से अपनी कोई यहाँ पे फेवरेट सॉन्ग को प्रस्तुत करेंगे। शिल्पा मैम प्लीज। थैंक यू आर्यन सर। और ये सॉन्ग ये गीत मैं डायरेक्टर मैम की फरमाइश पे गा रही हूँ। सबसे पहले तो जिनके लिए ये गीत है, जिन पे ये गा रही हूँ, उनके एक कविता है जो भी वो मुझे बहुत पसंद है और जिसे मैं अपने जीवन में फॉलो करती हूँ, वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। वैष्णव जन को तने कहिए जी, पीर पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन को तने कहिए जी। जी हाँ, अब जो गीत है मैं वो गांधी जी पे गाना गाने जा रही हूँ।
दीदी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लरी तूने अजब ढंग के लड़ाई, दादी न कही तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी दादाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस कुछ बोलिए मैम आगे मुझे सॉरी शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस इंतजार की घड़ियां भी खत्म हुई कि अब हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए सारे वीडियो क्लिप को हम यहां पे दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप सब हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि बस अब हम वही प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद से लास्ट में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य विकास कुमार सिन्हा सर के तरफ से एक वर्ड ऑफ थैंक्स रहेगा, तो लास्ट तक बने रहेंगे प्लीज। नाइस मॉर्निंग टू यू ऑल, माय शशि अभिषेक फ्रॉम कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल फुलवारी शरीफ पटना, एंड एज ऑफ बीइंग द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड ऑन दिस डे आई वुड लाइक टू से दैट देश हमारा एक है, हम है इसकी शान, दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान, जान लुटा देंगे देश पर और हो जाएंगे कुर्बान, इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अ वेरी ग्लोरियस चीयरफुल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज मेहर फातिमा, हेड गर्ल ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल फुलवारी शरीफ पटना, wishing you all a very happy Independence Day and salute to our freedom fighters for their selfless devotion. Jai Hind. Freedom in the mind, faith in the words, and proud in the soul.
freedom in the mind, faith in the heart, and proud in the soul. Let's salute the nation this independence. Wish you a very, very happy Independence Day. Here it's me, Mithuba from Standard 18. Today I am going to tell you the importance of Independence Day. Independence Day is highly significant as we Indian got freedom on this remarkable day. We celebrate this day in order to pay honor to our respective countless Indian soldiers who dedicated their own life in service of our country and sacrifices their everything to got us freedom. This day teaches us the power of unity among Indians and how it can strengthen our nation. For almost two centuries, Britishers ruled over us, and citizens of country suffered a lot due to their oppressors. British officials treat us like slaves, but until we used to manage against them. We struggled for our independence, but worked under the guidance of our great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and many more. Some of them were choosing the path of violence, while some were choosing the path of non-violence. But their ultimate aim is to drive out the Britishers from our country. And on 15th of August 1947, our long-awaited dream come true. That means we get freedom from the Britishers. And from that day, we celebrate every day of 15th of August as Independence Day. Thank you so much. कुछ नशा तिरंगे की आन है, कुछ नशा मातृभूमि की शान है। कुछ नशा तिरंगे की आन है, कुछ नशा मातृभूमि की शान है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान है। हेलो एवरीवन, ए वेरी वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई एम आसन ताशिस, एन एस्पिरेंट ऑफ क्लास 10 बी फ्रॉम कैमरेज पब्लिक स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे। टुडे इज अ वेरी इमोशनल डे फॉर ऑल द पीपल ऑफ आवर मदरलैंड। We remember with gratitude the countless freedom fighters and revolutionaries who struggled, strived, and made the heroic sacrifices to make their country free from the colonial rule. Long years ago, our freedom fighter had made a tryst with the destiny to give us a free and peaceful country by sacrificing their own comforts of life. Today we are celebrating Independence Day. We are living peacefully. We are living happily without having any fear just because of our forefathers. We have nothing to give our forefathers in return for their hard work and for their sacrifices. We can only remember them, their deeds, and can make a heartily salute to them. They will always be in our heart, forever. Na sarkar meri hai, na rob mera hai, na bara sa naam mera hai. Na sarkar meri hai, na rob mera hai, na bara sa naam mera hai. Mujhe to bas is baat ka garv hai ki main Hindustan ka hoon aur ye Hindustan mera hai. After independence, India gave the new birth with the happy face of the Indian citizens. We, as the Indians, realize the very real importance of Independence Day and should be filled with the utmost pride to have finally won back our freedom from the sacrilege of British rule. It gives me an immense joy, which is indescribable in words, when I see my national flag soaring in the wind high up. Needless to say that Independence Day is celebrated every year in India on 15th of August 1947. It is the year 1947 India got the complete freedom from the British rule. It is a moment of proud as well as a historical day for all the peoples of India, and we all peoples celebrate this day with great joy and enthusiasm. In the end, I just want to say that India is our motherland and we all are its citizens. So it's our duty to protect our country from the bad peoples, just like our shoulders and continuously fighting on border. It's also our duty to value this freedom and celebrate it wholeheartedly. Ours is a country of sage, known for the bravery of age. None can with it compete, its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here with union. With rivers sweet fountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and are sources of prosperity. Let's for it work hard, let's its safety be on guard. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Greetings to you one and all. It is an immense warm to represent my speech on Independence Day. This is your Khushi Rizwan of Standard 9th A from CPS. It is a tremendous contentment to tell a speech on Independence Day. Before I begin, first I would like to express my heartfelt gratitude to you all.
ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ हिंदुस्तानी। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डे 15th August 1947, सो पीपल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेट दिस डे, सेलिब्रेटेड एज एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंस डे। ऑन दिस डे आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, द ट्राइकलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम सेफ्रॉन फॉर करेज, white for peace and green for faith. On this day we remember the great sacrifices of Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Gandhiji and another freedom fighters for their unforgettable sacrifices. India is a country where millions of people live together whether they belongs to various cultures and to celebrate this day. Ye baat hawaon ko bataye rakhna, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। थैंक यू। सिंहासन ही उठे राजवंशों ने रुकी तानी थी, बुरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजलिया महलों की बंदी में हर दीपक मजबूर है, मिला न सूरज का संदेशा है घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नीला मैदान है, पढ़ना प्यार है तो जग सुना जलता रेगिस्तान है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटा सागर बांटी मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
public school. Here I am going to play the role of the great freedom fighter Bhagat Singh. राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है. मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है. मेरा धन देश की सेवा करना है. दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत. मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आए. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है. इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद. भारत माता की जय. भारत माता की जय. थैंक यू. हे युद्धा चिंचिन, तुम हमारा गुलाम है. अंग्रेजों भारत छोड़ो. From class 5B, wishing everyone a happy Independence Day. On this occasion, I will give a short speech on our freedom fighters. We are in the 21st century and today we have the freedom to speak and walk without any restrictions or rules. We feel pleased by the thought of the freedom that we experience. Some of us may wonder what was the role of freedom fighters in attaining freedom. Let me tell you, we cannot imagine what freedom feels like without them. This feelings of contentment is the result of the sacrifices done by our freedom fighters while freeing our country from British rule. Freedom fighters were the people who selflessly laid down their lives for the freedom of our country. Some freedom fighters choose the path of non-violence and truth, while others choose the path of violence to end the foreign rule. Moreover, many of the freedom fighters went on a war against the English. Today, on the occasion of this auspicious day, I will discuss some freedom fighters in India. As I have remembered, Netaji Subhash Chandra Bose, Mohandas Karamchand Gandhi, Chandrasekhar Azad, Gopal Krishna Gokhale, Maulana Abdul Kalam Azad are the strong pillar of the freedom movement. Ending my speech with a few final words. The efforts of these people are forgotten. We must come together. Our unity will be the best tribute to them. Because in the end, this was the purpose of their sacrifices. That's all. Thank you. All of you, I'm Akshatan from Standard 5, roll number 7. First of all, I will say you very, very happy Independence Day. Today, I will play the role of Rani Lakshmibai and her some dialogues. क्या मैं चंद पैसों के लिए अपनी झांसी को नहीं बेच सकती? लगता है वो लोग जानते नहीं. मैं इस झांसी की रानी हूँ. मैं इस धरती माँ की बेटी हूँ. मेरे होते हुए कोई फिरंगी इस धरती को हाथ नहीं लगा सकता. मेरे खून का एक एक कतरा इस धरती के लिए गुणमान है. ये मेरा वादा है अपने से भी और झांसी से भी. मैं मौत को गले लगा लूंगी लेकिन झांसी पे कोई आंच नहीं आने दूंगी. सिंहासन ही लूटेगी रावण जून भी कुटी तानी की. 57 में चमक उठेगी तलवार पुरानी थी. बंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़े मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी. खूब लड़े मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी. That's all, thanks.
सिस्टम मेरा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कहिए कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लटपट काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहिए कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद। Very nice. Again, morning to all of you. अभी आप सभी ने हमारे विद्यालय में होने वाली गतिविधियों के बारे में देखा। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जहां पर कुछ न कुछ इंटरप्शन होता रहता है, ठीक है। फिर भी इस विकट परिस्थिति में हमारे स्कूल मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ्स, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर मैम सर्स ने इतनी अच्छी व्यवस्था की और हम लोगों को एक जगह एकत्रित करने की कोशिश की, और हम उन सभी छात्र छात्राओं से भी बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें लाइव देखा, हमें लाइक्स किया एंड फॉलो किए। तो रियली मैं उन सभी छात्र छात्राओं से बाय हार्टली थैंकफुल हूँ जो हमें हर परिस्थिति में अपना योगदान देते रहते हैं। मैं इस स्कूल का, इस ब्रांच का प्रधानाचार्य होने के नाते आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।